दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। दोसा डॉक्टर मामले में पुलिस ने भाजपा नेता जितेंद्र गोठवाल को कर लिया गिरफ्तार। 1 अप्रैल से सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज मुफ्त। राजस्थान में अब ओपीडी रजिस्ट्रेशन से लेकर 8,000 रुपए तक की जाँचें फ्री। अब वार्षिकोत्सव में भी अश्लील डांस। निदेशक ने प्रिंसिपल को किया सस्पेंड। ग्रामीण कर रहे वापस लाने की मांग। कलयुगी बेटी बहू का पिता के साथ इतना बुरा सलूक। कैंसर पीड़ित पिता पर बेटे ने हाथ उठाया तो बहू ने कचरे में फेंक दी दवाइयां। वल्लभ नगर में सियासत फिर गरमाई। भिंडर नगर पालिका के 2 पार्षदों को सरकार ने दूसरी बार किया निलंबित। और अब खबरें विस्तार से। दोसा डॉक्टर मामले को लेकर पुलिस ने भाजपा नेता जितेंद्र गोठवाल को गिरफ्तार कर लिया। गोठवाल प्रसूता की मौत के बाद धरने में पहुंचे थे। बोले कि प्रियंका गांधी को रेल टिकट भेजा था, इसका पनिशमेंट मिल रहा है। डॉक्टर अर्चना के मामले में पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए। प्रसूता आशा बैरवा की मौत के मामले में पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को दरकिनार किया। डॉक्टर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया, जबकि प्रसूता के पति लालू राम का कहना है कि उसने तो रिपोर्ट न तो लिखी और न ही पढ़ी। मृतक प्रसूता आशा के पति लालू राम ने कहा कि उसने डॉक्टर के खिलाफ कोई शिकायत नहीं दी। कुछ लोगों ने उससे कागज पर हस्ताक्षर करवाए थे और उसमें क्या लिखा था ये नहीं पढ़ा। मुकदमे की प्रति भी उसे नहीं मिली। इस शिकायत में धारा 302 का जिक्र था, जिसे पुलिस ने ज्यों का त्यों दर्ज कर लिया था। प्रसूता के पति ने कहा कि मैं मजदूर हूँ, शिकायत लिखना नहीं जानता। कुछ लोगों ने मुझसे साइन जरूर करवाए, मैं उन्हें नहीं जानता। भीड़ इकट्ठी हो गई और मैं उनमें से किसी को नहीं पहचानता। मैंने शिकायत नहीं दी, मैं मजदूर आदमी हूँ, शिकायत लिखना क्या जानूं। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर सुनीत हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोए। उन्होंने कहा कि इस मामले में राजनीति हुई है। उन्होंने शिवशंकर का जिक्र करते हुए कहा कि राजनेता ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं, इन्हें संरक्षण देना बंद करो। हर डॉक्टर मरीज को बचाने की कोशिश करता है। मेरी पत्नी तो चली गई, लेकिन बाकी डॉक्टरों के साथ ऐसा ना हो। आरोप है कि भाजपा नेता और पूर्व संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल ने मृतक प्रसूता के परिजनों को आंदोलन के लिए भड़काया। डॉक्टर सुसाइड प्रकरण में पुलिस ने भाजपा नेता समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जितेंद्र गोठवाल भाजपा के प्रदेश मंत्री तथा पूर्व संसदीय सचिव हैं। उन्होंने कहा कि मेरे आने से पहले धारा 302 में मुकदमा दर्ज हो चुका था। मैंने प्रियंका गांधी को रेल का टिकट भेजा था, मुझे इसकी सजा दी गई है। मैं दलित पीड़ित समाज के लिए लड़ता रहूंगा। दौसा के ASP डॉक्टर लालचंद ने बताया कि डॉक्टर अर्चना केस में जितेंद्र गोठवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान के निवासियों के लिए हेल्थ को लेकर बड़ी खबर है। सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी हॉस्पिटल में 1 अप्रैल से तमाम इलाज और जांचें फ्री करने का आदेश जारी किया है। इन आदेशों के तहत ओपीडी के रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाले 10 रुपए से लेकर 8,000 रुपए तक शुल्क वाले MRI, CT स्कैन, डायलिसिस जैसी महंगी जाँचों के लिए मरीजों को 1 भी रुपए नहीं देना पड़ेगा। प्रमुख शासन सचिव हेल्थ एजुकेशन और शासन सचिव हेल्थ डिपार्टमेंट के संयुक्त आदेशों को देखें तो इसका फायदा राजस्थान के ही निवासियों को मिलेगा। राज्य के बाहर यानी दूसरे राज्यों से इलाज के लिए आने वाले मरीजों से जो शुल्क निर्धारित है वह लिया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने अभी तक मुख्यमंत्री निशुल्क दवा और जांच की योजना के तहत मरीजों को इलाज की सुविधा सरकारी हॉस्पिटल में दी जा रही है। इसके अलावा कई जांचें और दवाइयां ऐसी हैं जिनका कुछ शुल्क मरीजों को देना पड़ता है। इसमें CT स्कैन, MRI, डायलिसिस समेत खून हार्ट की कई जांचें शामिल है। सब कुछ फ्री में। पार्किंग, कॉटेज और कैंटीन को अलग रखा गया है। राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी और मेडिकल कॉलेजों की सोसाइटियों ने जो इनके शुल्क निर्धारित कर रखे हैं वो मरीजों से लिए जाएंगे। वर्तमान में ये सुविधाएं भले ही 1 अप्रैल से शुरू करने का निर्णय किया गया हो, लेकिन इन सुविधाओं का पूरा फायदा 1 मई से मिलने लगेगा। अप्रैल के महीने में व्यवस्थाओं को बदलने और सुविधाएं जुटाने के लिए समय लगेगा। बहरोड के गांव मोहम्मदपुर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 12 मार्च को वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में बच्चों के सामने अश्लील डांस करवाया गया। शिक्षा निदेशक ने कार्यवाही करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल कपिल चौड़िया को सस्पेंड कर दिया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता CBO शशि कपूर ने की और शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने प्रिंसिपल का बचाव किया है। अधिकारियों ने विभाग को रिपोर्ट भेजकर कहा कि डांस पार्टी को ग्रामीणों ने बुलाया था। अधिकारी यह भूल गए कि स्कूल प्रबंधन ने जो आमंत्रण पत्र प्रिंट करवाए थे उसमें डांस पार्टी का बकायदा नाम दिया गया था। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम ने 16 मार्च को आदेश जारी कर प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया। अधिकारियों ने सस्पेंड की खबर को मीडिया से भी दबाए रखा। भास्कर ने विद्या के मंदिर में इस प्रकार के अशोभनीय कृत्य को लेकर लोगों तक ये मामला पहुंचाया। विभाग ने 2 दिन बाद ही प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया और प्रिंसिपल का मुख्यालय बीकानेर लगाया गया। अश्लील डांस करवाने के मामले में शिक्षा विभाग ने जांच करवाई। जांच के दौरान मामले को दबाने और दोषी पाए जाने वाले शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी खिलाफ भी कार्रवाई होने की अब संभावना है। ग्रामीणों को पता चला कि प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है और उसके बाद कुछ ग्रामीण स्कूल पहुंचे और स्कूल पर ताला लगा दिया गया। प्रिंसिपल को वापस लाने की मांग की। सूचना के बाद मौके पर CBO, ACBO सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंचे और मामले को शांत करवाया।
जयपुर में एक बेटा ने पत्नी के साथ मिलकर पिता को कपड़े धोने के डंडे से पीट डाला। पीड़ित बुजुर्ग कैंसर की बीमारी से भी पीड़ित है। इससे भी मन नहीं भरा तो बहू ने ससुर की दवाइयां भी कचरे के ढेर में फेंक दी। परेशान पिता थाने पहुंचा और बेटे बहू के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। मामला महेश नगर थाने का है। बुधवार को रामजी लाल महेश नगर थाने पहुंचे। थानाधिकारी सज्जन सिंह कविया ने बताया कि छोटा बेटा सुशील और बहू मंजू वर्मा उनके साथ रहते हैं। बेटा बहू दोनों आपस में झगड़ते रहते हैं। बुजुर्ग ने पुलिस को बताया कि 2 दिन पहले भी दोनों खर्चे को लेकर झगड़ने लगे। जब दोनों को रोका और शांत करवाया, लेकिन कुछ देर बाद ही बेटा सुशील और बहू मंजू उनके कमरे में पहुंचे। दोनों रुपए देने की मांग करने लगे। रामजीलाल ने बताया कि इस पर उन्होंने रुपए देने से मना कर दिया। इस पर बेटा बाथरूम में गया और कपड़े धोने वाला डंडा ले आया। इसी डंडे से उसने अपने पिता की पिटाई कर डाली। बेटे की इस घिनौनी हरकत से बहू ने भी साथ दिया। उसने भी ससुर की दवाइयां कचरे में फेंक दी। रामजीलाल के करीब 20 से 25 हजार रुपए की पेंशन आती है। वे पेंशन डिपार्टमेंट से ही रिटायर हुए थे, इसी से उनका घर चलता है। सुशील कोई काम नहीं करता है। रामजीलाल के पेंशन और जो किराया आता है उसी से सुशील अपना घर चलाता है। रामजीलाल ने बताया कि मारपीट के बाद अपने बड़े बेटे रमेश को बुलाया था, लेकिन दोनों ने उसके साथ भी मारपीट की। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि छोटे बेटे के ससुराल वालों ने भी घर पर पत्थरबाजी की। इसके बाद पुलिस को बुलाना पड़ा। पीड़ित रामजीलाल ने बताया कि उनकी बहू और छोटा बेटा रुपए के लिए मारपीट करते हैं, कई समय से मारपीट करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि रामजीलाल की पूरी पेंशन हथियाना चाहते हैं। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर दोनों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया है और इस घटनाक्रम में रामजीलाल की आंख पर भी चोट आई है। राजनीतिक उथल पुथल के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाली राजस्थान की वल्लभ नगर विधानसभा में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। इस बार भिंडर नगर पालिका के उपाध्यक्ष मग्नी राम रेगर और पूर्व पालिका अध्यक्ष और वर्तमान पार्षद गोवर्धनलाल भोई को प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पार्षद पद से हटा दिया है। दोनों पार्षदों को स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी करते हुए निलंबित किया है। हालांकि इससे पालिका की अध्यक्ष निर्मला भोजावत के पद पर कोई आंच नहीं आएगी। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भिंडर नगर पालिका के नए बोर्ड में लगातार तीसरी बार पार्षद चुनकर आए उपाध्यक्ष मग्नीराम रेगर और पूर्व पालिका अध्यक्ष गोवर्धनलाल भोई को 15 महीने में दूसरी बार निलंबित कर दिया है। इससे पहले सरकार ने नगर पालिका के चुनाव परिणाम के बाद ही दोनों पार्षदों को निलंबित किया था, मगर राजनीतिक घटनाक्रम से कुछ घंटों बाद ही बहाल कर दिया, जिसने भिंडर नगर पालिका में जनता सेना का बोर्ड बन गया था। लेकिन बोर्ड बनने के 15 महीने बाद एक बार फिर सरकार ने दोनों को निलंबित कर दिया है। स्वायत्त शासन विभाग ने उपाध्यक्ष रेगर के खिलाफ पिछले बोर्ड में निर्माण समिति अध्यक्ष रहते हुए आराजी नंबर 42, 43 और 79 भूखंडों के पट्टे, निर्माण स्वीकृति और 90A की कार्यवाही में अनियमितताओं की जांच में उदयपुर उपनिदेशक द्वारा दोषी पाए जाने के बाद स्पष्टीकरण नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, मगर इसका जवाब विभाग को नहीं देने पर विभाग ने प्रकरण को जांच के लिए विधि विभाग को भेज दिया। वर्तमान में मग्नीराम रेगर के पद पर बने रहने से जांच प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए रेगर को पार्षद पद से निलंबित कर दिया गया। स्वायत्त शासन विभाग ने पूर्व पालिका अध्यक्ष और पार्षद गोवर्धनलाल भोई को भी निलंबित किया। इसके खिलाफ जांच लंबित होने से पार्षद पद से निलंबित किया गया। वहीं आदेश में यह बताया गया कि निलंबन आदेश के विरुद्ध न्यायालय में रिट दायर करने की संभावना को देखते हुए केवीएट दायर करने के लिए भिंडर ईओ को प्रभारी अधिकारी और उदयपुर उपनिदेशक को अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया। उदयपुर जिले के कानोड में करीब 70 वर्षों पुरानी प्रसिद्ध गणगौर की सवारी को फिर से शुरू करने के निर्णय के बाद लगातार पालिका सभागार में बैठकों का दौर जारी है। सर्व समाज महिलाओं ने बैठक कर गणगौर की सवारी निकालने को लेकर रूपरेखा बनाई और साथ ही कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं को जोड़ने की अपील भी की। आयोजित बैठक में महिलाओं ने एक एक कर अपने विचार रखे, जिस पर मंथन भी किया गया। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष चंदा मीणा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें महिला पार्षद राजकुमारी कामरिया, दुर्गा मीणा, प्रेम कुंवर चौहान के साथ ही काफी संख्या में महिला प्रतिनिधि नगर पालिका पहुंची और पालिका के फैसले का स्वागत करते हुए सहयोग करने का दावा किया। वहीं पालिका अध्यक्ष मीणा ने बताया कि गणगौर की सवारी पूर्ववत राजमहल से निकालने को लेकर चर्चा चल रही है। पालिका का प्रयास है कि वर्षों से बंद हुई परंपरा फिर से शुरू हो, जिससे आने वाली पीढ़ी की मेवाड़ की संस्कृति से जोड़ा जा सके। गणगौर की सवारी को राजघराने के वारिस पूजा अर्चना के साथ शुरू करें, इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। दूसरी ओर गणगौर की शोभा यात्रा को लेकर नगर पालिका पार्षद पारस नागौरी भवानी सिंह चौहान ने राजमहल से सटे गोपाल मंदिर में जाकर वर्षों पुरानी गणगौर को सुसज्जित करने की तैयारी शुरू की। मंदिर में एक कोने में वर्षों से लकड़ी की गणगौर विराजित दिखी, जहां मंदिर पर मौजूद पुजारी ने नए परिधान के साथ फिर से गणगौर को सजाने की बात कही। एक जमाना था जब कानोड़ में गणगौर की सवारी देखने आसपास ही नहीं अपितु दूर दराज के लोग पहुंचते थे, लेकिन समय बदला और गणगौर की सवारी का रंग फीका होने लगा और एक दिन ऐसा आया कि गणगौर नगर से लुप्त हो गई।
राजमहल के गणगौर राजमहल में तो अन्य समाज के गणगौर अपने ही घरों में कैद होकर रह गई। परंपरा ऐसी जिसको कायम रखना जरूरी था। बुजुर्गों ने प्रयास भी किए लेकिन आधुनिकता के युग में उनकी भी नहीं चल पाई और आखिरकार गणगौर की सवारी को बंद करना पड़ा। इस बार पालिका बोर्ड ने गणगौर निकालने का निर्णय तो ले लिया लेकिन लोगों के मन में विकास को लेकर बड़ी तीस देखी जा रही है कि काश जिस तरह का उत्साह मेला आयोजन व गणगौर की सवारी में देखा जा रहा है उसी तरह का जोश नगर विकास को लेकर दिखाया जाता तो नगर विकास को नहीं तरसता। सीबीसी के प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।